ज्यादा बड़ी शुभकामना मेरी ये है कि अगर भगवान के दरबार में दुआएं कबूल होती हैं तो यश कुमार प्रदीप भैया के लिए एक दुआ करता है कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी जिए, ऐसा भगवान उनको वरदान दें। आपके लिए तो एक यहाँ पे बर्थडे पे फिल्म रिलीज हो रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हाँ। किरदार ट्रेलर में दिखाई दे गया है जी, कितना जबरदस्त है, तो उसके लिए क्या क्या शुभकामना? बहुत ही जबरदस्त किरदार है मेरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। मुझे लगता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लगता नहीं, हकीकत भी है। पाकिस्तान के ऊपर जब भी भारत से जितनी भी फिल्में बनी हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी भाषा में इतनी अच्छी फिल्म बनी है जिसका नाम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इतनी उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीद है। ये फिल्म मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस पे एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। और चूंकि फिल्म अच्छी है, अच्छी फिल्में चलती हैं और ये फिल्म चलनी चाहिए। हमारा गुजरात में स्टूडियो है संजान वृंदावन वाटिका, हमारे स्टूडियो पे इसकी पूरी शूटिंग हुई है। बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लोकेशन है वहाँ का। तो इतना बड़ा स्टूडियो है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों वहीं पर दिखाया गया है, क्रिकेट का ग्राउंड वहीं पर दिखाया गया है। नॉर्मली हम लोग इंडिया पाकिस्तान की फिल्में जब भी बनती है, गोले बारूद से ही उस फिल्म की शुरुआत होती है, उस फिल्म का अंत होता है। ये फिल्म क्रिकेट के भी ऊपर बेस बनाया गया है हमने, कि पहली बार आपको फौजी लोग देश की समस्या को खत्म करने के लिए क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैं वादे के साथ कहता हूँ, गारंटी कहता हूँ, ये फिल्म एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। आपके साथ में कल्लू जी भी नजर आ रहे हैं, किस तरह की केमिस्ट्री मैंने पहले दो स्टारों की बात जब करूँ तो मैंने पवन जी के साथ काम किया, पवन सिंह के साथ दो फिल्में कर चुका हूँ, अच्छा अनुभव रहा उनके साथ। पहली बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला, सारे लोग सपोर्टिव थे। और सारा क्रेडिट जाता है फिरोज खान जी को, क्योंकि फिरोज खान जी ने सेट पे इतना अच्छा माहौल बनाया रहा, और प्रदीप भैया ने, कि किसी को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि कौन छोटा कौन बड़ा। सारे लोग मिलजुल करके काम किया, और मिलजुल करके काम इतना बढ़िया हो गया है कि उसका रिजल्ट आप लोगों ने अभी पर्दे पे देखा है। तो अब हिंदुस्तान की जनता ये समझ ले कि आने वाले कुछ सालों में भोजपुरी सिनेमा जो है वो हिंदी के लेवल में आने वाली है। समझने की क्या, बहुत दिन से हम लोग हिंदी के लेवल से ऊपर, हिंदी के लेवल से हमारी फिल्में कहीं कम नहीं होती हैं। मेरी फिल्में आप देखिए, पिछले साल ऑल टेरिटरी ब्लॉकबस्टर मेरी फिल्म थी इच्छाधारी। इच्छाधारी आप फिल्म उठा करके देखिए, उसके ग्राफिक्स देखिए, हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं किया कि उसको हिंदी से कम आंका जाए। इच्छाधारी का पार्ट टू मैं बना रहा हूँ नागराज, और नागराज की शूटिंग शुरू होगी सितंबर में। नागराज में भोजपुरी का पहला सुपर हीरो नजर आएगा। सुपर हीरो तो खैर इच्छाधारी में भी था, लेकिन छोटे पैमाने पे था। इसमें बहुत बड़े फुल फ्लेज में सुपर हीरो बन के मैं आ रहा हूँ नागराज में, और मैं उस फिल्म से ये बता दूंगा कि हम लोग कहीं कम नहीं हैं, और अभी भी हैं हम कहीं कम नहीं हैं। हर लोगों की अपनी एक फिल्में होती हैं, बॉलीवुड का चूंकि उसका क्षेत्र बड़ा है, उसकी रिलीजिंग बड़ी है, इसलिए लोग बॉलीवुड बॉलीवुड कहते हैं। हम लोगों की भोजपुरी कहीं बॉलीवुड से कम नहीं है। तो आप फिर ये ब्रेकिंग आज चल जानी चाहिए कि यशराज टू जो आप फिल्म बना रहे हैं इच्छाधारी टू, तो आप फिर से एक बार बाल की कुर्बानी देंगे इस फिल्म के लिए? नहीं, बाल की कुर्बानी मैंने रंगदारी के लिए दिया था, इच्छाधारी के लिए नहीं दिया था। और इच्छाधारी में कोई मैसेज नहीं है, इच्छाधारी एक सुपर हीरो की कहानी है, और उसी का जब पार्ट टू बन रहा है तो अब वो हीरो और बड़े पावर के साथ आएगा, जिसका नाम है नागराज। और नागराज अगले साल अप्रैल में रिलीज करेंगे 2018 में। फिल्म में बहुत जबरदस्त डायलॉग था भी ट्रेलर देखते समय, कि पाकिस्तान में आपको कोई एजेंट महिला, वो डायलॉग बता दे क्या है वो? हाँ, वो एक एक्चुअली सीक्वेंस है कि पाकिस्तानी मुझसे राज निकलवाना चाहते हैं हमारे मिलिट्री का, तो हम नहीं निकालते हैं। तो बोलता है कि क्या नाम है, इस फौजी के आगे शबाब डालो, शायद अच्छी अच्छी लड़कियां पा जाए तो मुंह खोल दे। तो मेरे साथ में 20 साल की लड़की भेजी जाती है, मैं बोलता हूँ और बड़ी लाओ, तो 30 साल आती है, मैंने और बड़ी लाओ, 40-50 साल की आती है, मैंने कहा और बड़ी लाओ, तो 60 साल की बुढ़िया भेजी जाती है। मैं बोलता हूँ ये पसंद है मुझे। तो वो फिर पूछता है कि भाई फौजी तू पागल हो गया है क्या, मतलब तुझे 20-30 साल 40 साल की लड़कियां औरतें नहीं समझ में आई, तो 60 साल की बुढ़िया को क्यों पसंद किया? मैं कहा ताकि मैं अपने मुल्क जा करके कह सकूं कि मैंने पाकिस्तान की माँ टाणा ना ना इसके आगे नहीं बोलूंगा। अच्छा, एक आखिरी चलते चलते आखिरी सवाल जी, निगम जी इस टाइम काफी सुर्खियों में, यस, उनके अदान को मैंने ट्वीट किया था, उसको लेके आपको ही पता होगा, उसको लेके आपका क्या? देखिए, मेरा मानना एक चीज है, मैं चाहे धार्मिक मुद्दा है, मंदिर के लिए भी कहूंगा, मस्जिद के लिए भी कहूंगा, हम मस्जिद में अनाउंस करते हैं सुबह, हो सकता है कि हम जिस मंदिर में लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, जिस मस्जिद में अजान कर रहे हैं, कोई बाजू में बहुत तबीयत खराब हो,
कोई रात की ड्यूटी करके आया हो जिसको शांति से सोना हो तो डिस्टर्ब होता है, तो मुझे हालांकि ये पर्सन धर्म की बातें हैं नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मोहब्बत, सेक्स, पूजा ये शांति से करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। माँ जब दूध पिलाती है तो गलत नहीं करती है, लेकिन आंचल से ढक करके पिलाती है, मतलब पर्दे में पिलाती है। इसी तरीके से पूजा है, पूजा हम लोगों को सुनाएं क्योंकि हम भगवान को याद कर रहे हैं, हम अपने दिल से याद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पूजा, अजान, ये सब चीज़ें बड़े दिल से करनी चाहिए और शांति से करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप सोनू जी के ट्वीट पे सहमत के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। ये बॉलीवुड की और भी दिग्गज हस्तियों ने उनकी उनका बायकॉट किया, जैसे उनके ट्वीट का जवाब दिया एजाज खान साहब हैं और म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह नहीं किस कुछ लोग भी दें। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देखिए किसी का भी विरोध करना प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है और सब लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मेरा मानना है कि मैं किसी एक धर्म को, एक समुदाय को नहीं कह रहा हूँ, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, प्यार से पूजा कीजिए। ईश्वर हमारी दिल की बात सुनता है, तो दिल से सुनाइए, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। बाकी